नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ई विद्या मंदिर। हमने बायोलॉजी की स्टार्ट सीरीज़ कर रखी है और जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा ब्लड की प्रकृति और ब्लड में क्या क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि इसमें प्लाज्मा होता है, वो 55% होता है, और उसके बाद में हमने ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में बात की थी। तो आज हम ब्लड कॉर्पस्कल्स को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। आपको पता है इसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, ये ब्लड कॉर्पस्कल्स क्या होता है? ब्लड कॉर्पस्कल्स ब्लड का 45% भाग होता है। 45% हिस्सा क्या होता है? ब्लड कॉर्पस्कल्स का होता है। इस ब्लड कॉर्पस्कल्स को अगर हम हिंदी में कहें तो रक्त कणिका। क्या होता है? रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं ये क्या होती है? तीन भागों में डिवाइड होती है। देखिए, पहला तो होता है आरबीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ये एरिथ्रोसाइट है, ये क्या है? आरबीसी है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आरबीसीज। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो इस आरबीसी को क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिका कहते हैं, यानी कि क्या कहा जाता है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होगा? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। स्कल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, और इसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे शरीर में, देखिए, जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, ये हमारे शरीर में 5 से 5.5 मिलियन तक होती है। और 1 मिलियन को आपको पता है, जो 1 मिलियन होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स? 1 मिलियन के बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में पाई जाती है ये, यानी कि 50 से 55 लाख। ये भी कह सकते हैं कि 50 से 55 लाख क्या होती है? आरबीसी पाई जाती है। और ये कितने में? आरबीसी पाई जाती है ये पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में पाई जाती है, पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में पाई जाती है। पूरे शरीर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में कितनी आरबीसी होती है? 5 to 5.5 मिलियन पाई जाती है। दूसरी अगर हम बात करें इनकी फॉर्मेशन की, यानी कि ये बनती कहाँ है, तो देखिए, जो आरबीसी बनाई जाती है हमारे शरीर में, तो वो आरबीसी बनती है रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो, और ये रेड बोन मैरो को हिंदी में कहा जाता है लाल अस्थि मज्जा। क्लियर है दोस्तों? लाल अस्थि मज्जा। अब आपने पढ़ा होगा, कुछ किताबों में ऐसे लिख रखा होता है कि जो हमारी आरबीसी बनाई जाती है, आरबीसी प्लीहा में भी बनती है, कुछ किताबों में ऐसा लिखा होता है। तो उसकी अगर मैं बात करूं कि जो प्लीहा में बनी होती है आरबीसी, तो प्लीहा में भी बनती है, ये बात गलत नहीं है। पर कब बनती है? फीटस अवस्था में प्लीहा में बनी होती है, यानी कि फीटस यानी कि जब गर्भ अवस्था होती है, गर्भकाल की अवस्था होती है, उस दौरान क्या होता है? ये प्लीहा के द्वारा बनाई जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यकृत में भी बनती है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा, ये लाल अस्थि मज्जा की बजाय ये गर्भ अवस्था में प्लीहा और यकृत दोनों में बनाई जाती है एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तीसरी अगर हम बात करें इनकी, शेप की, तो ये बाइकोनिकल शेप की होती है फ्रेंड्स, यानी कि ये क्या होती है? बाइकोनिकल, ऐसे बाहर की तरफ से तो उभरी हुई और बीच में से ऐसी, ऐसे इस तरीके से होती है बाइकोनिकल शेप, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये और बाइकोनिकल शेप को क्या कहा जाता है हिंदी में? बाइकोनिकल यानी कि उभयावतल, उभयावतल। ठीक है, इस तरीके की इसकी शेप होती है। तीसरी अगर हम बात करें
रेड ब्लड सेल्स की, तो आप जानते हो आरबीसी का कलर लाल होता है, लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। तो लाल कलर होने का रीज़न देखते हैं हम, ये इसका रंग होता है, ये लाल क्यों होता है, तो इसका रंग देखिए लाल रंग की होती है, लाल रंग की। और लाल रंग की होने का इसका रीज़न होता है कि हमारे शरीर में पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से क्या होती है ये लाल रंग की होती है। हीमोग्लोबिन को हिंदी में भी हीमोग्लोबिन ही कहा जाता है, और पिगमेंट होता है वर्णक, ठीक है। और वर्ण का मतलब पता है आपको, रंग होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। और ये इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट में क्या चीज़ होती है, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो बना होता है, एक तो हमारा होता है इसमें आयरन, और दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन और आयरन से क्या होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट बना होता है, और ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट ही है जिसके कारण क्या होती है हमारी जो आरबीसी होती है वो लाल रंग की होती है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। अब अगर हम आरबीसी के जीवन काल की बात करें, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, यानी कि 120 दिन क्या होता है इनका जीवन काल होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स को, लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ये हमारे शरीर में 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब तक होती है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, यानी कि बनती कहाँ से है, इसका अगर हम निर्माण देखें, तो लाल अस्थि मज्जा में इसका क्या होता है निर्माण होता है। अगर हम इसके शेप की बात करें, तो बाइकोनिकल शेप होती है, बाइकोनिकल यानी कि उभयतल शेप होती है इसकी। कलर की बात करें तो लाल रंग का होता है, और लाल रंग होने की वजह है हीमोग्लोबिन पिगमेंट का होना। अगर लाइफ स्पैन की बात करें, तो इसकी 120 दिन की क्या होती है लाइफ स्पैन होती है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी, और दूसरी कौन सी है हमारी ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट क्या होती है, ल्यूकोसाइट को क्या कहा जाता है, तो देखिए ल्यूकोसाइट जो होती है इसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, या ल्यूकोसाइट को हम WBC भी कहते हैं, WBC। और WBC का मतलब है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि सफेद रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब देखिए अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, जो ल्यूकोसाइट है पहले हम देखते हैं कि ये कितनी होती है, तो हमारे शरीर में 6 से 8 हज़ार ये होती है, 6 से 8 हज़ार पर मिलीमीटर क्यूब में क्या होती है ये पाई जाती है हमारे शरीर में। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें, निर्माण की बात करें, तो इनका निर्माण कहाँ पर होता है, इनका बनना कहाँ पर होता है, तो ये बनती है वाइट बोन मैरो में। ये कभी वैसे पूछा गया नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ, वाइट बोन मैरो में बनती है। WBC के बारे में पूछा नहीं गया है, पर RBC के फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी शेप की, तो शेप की बात करें तो WBC की कोई शेप नहीं होती है, यानी कि अनिश्चित होती है। ये क्या होती है, अनिश्चित शेप होती है इसकी, ठीक है, इरेगुलर शेप होती है इसकी। तीसरी अगर हम बात करें इसके कलर की, तो इसका कलर भी कोई कलर नहीं होता है इसका। क्यों नहीं होता है, इसमें कोई भी वर्णक ना होने की वजह से, कोई पिगमेंट ना होने की वजह से क्या नहीं होता, रंगहीन होती है। क्या होती है, रंगहीन होती है, या हम इसे कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होती है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अगर हम इसके जीवन की बात करें, तो लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, तो जो WBC होती है, या जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसकी लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, तो इसका जीवन जो होता है, इसका जीवन काल या लाइफ स्पैन, तो जीवन काल
3 से 4 दिन, कुछ किताबों में तो ये लिखा गया है 3 से 4 दिन, और कुछ जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें 10 से 13 दिन दे रखा है। 10 से 13 दिन यानी कि 10 to 13 days, ठीक है। अगर इन दोनों में से आपको ये आए, अगर इन दोनों ऑप्शनों में से कोई आए, 3 से 4 दिन आए तो उस पर टिक करना है, और अगर 3 से 4 दिन ना आए तो 10 से 13 दिन भी ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 10 से 13 दिन, तो आप इसको टिक करोगे। और जो ऑथेंटिक माना जाता है वो एनसीईआरटी का ही माना जाता है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आरबीसी के जीवन काल के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिए, जो ल्यूकोसाइट होती है, जो WBC होती है, उनको दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है मेनली, जिनमें एक तो होती है कणिका में और जिनमें एक होती है अकणिका में, और अकणिका में और कणिका में को अगेन भागों में डिवाइड किया गया है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हो। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो WBC होती है, WBC को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जो WBC होती है, WBC को कितने भागों में, WBC को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके कितने भाग हैं, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो देखिए, ये कणिका में और दूसरा ये है अकणिका में। अब कणिका में और अकणिका में भी क्या है, अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम कणिका में की बात करें तो कणिका में को 3 भागों में अगेन डिवाइड किया गया है, और 3 भागों में डिवाइड, इसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो एसिनोफिल्स, दूसरी अगर हम बात करें तो बेसोफिल्स, और तीसरी अगर इनकी बात करें तो ये है न्यूट्रोफिल्स। हिंदी में भी इनका यही नाम है, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। तो आप ये टेंशन ना लें कि इसमें हिंदी में नहीं लिखाया गया है, हिंदी में भी यही नाम आता है देवनागरी लिपि में। अगर हम बात करें अकणिका में की, तो अकणिका में को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो ये है मोनोसाइट और दूसरा ये है लिम्फोसाइट। इस लिम्फोसाइट को अगेन 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो बी टाइप की लिम्फोसाइट और एक टी टाइप की लिम्फोसाइट। अब देखिए, हमारे शरीर में जो WBC होती है या ल्यूकोसाइट होती है, इनको क्या कहा जाता है, प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करने के लिए जाना जाता है। ये क्या करती है, कोई भी वायरस आती है तो उसको क्या करती है, ख़त्म करती है। और वो ख़त्म किस तरीके से करती है, इस तरीके से करती है, ये इनके पार्ट्स है। इसमें क्या करेंगे, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि जो WBC होती है या ल्यूकोसाइट होती है, इसको हमारे शरीर का या जो हमारा जैविक क्रियाएँ उसमें प्रतिरक्षी तंत्र के रूप में ये कैसे कार्य करती है। तो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, इसका एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि ये किस तरीके से कार्य करती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए हमारी नेक्स्ट जो बात करें तो इसके बारे में करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती है, थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स कहा जाता है, और प्लेटलेट्स आप जानते हो, प्लेटलेट्स होती है वो रुधिर का थक्का जमाने के लिए जानी जाती है। वैसे कुछ और भी होती है जो रुधिर का थक्का जमाती है, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, तो वो क्या होती है, थ्रोम्बोसाइट्स में ही आती है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स में होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में भी पाई जाती है फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन वगैरह कहाँ पर होता है, कितनी होती है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, थ्रोम्बोसाइट्स होती है ये कितनी होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें ये होती कितनी हैं, तो
डेढ़ लाख से 3.5 लाख तक क्या पाई जाती है, ये हमारे पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में पाई जाती है, डेढ़ से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में पाई जाती है। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो जो क्या होता है, बोन मैरो होता है उसी में बनती हैं, बोन मैरो में ही बनती हैं, पर ये बोन मैरो में क्या होती है, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होती हैं और उस सेल्स से बनती है, यानी कि कुछ क्या होती है, विशेष कोशिकाएं, ठीक है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनसे क्या बनती है, ये बनती हैं थ्रोम्बोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, प्लेटलेट्स, और हिंदी में भी इसको प्लेटलेट्स ही कहा जाता है, या फिर इसको बिंबाणु भी कह सकते हैं। अब देखें, अगर हम इसकी शेप की बात करें तो दोस्तों इसकी कोई भी शेप नहीं होती है, ये क्या होती है, अनिश्चित शेप होती है इसकी, अनिश्चित शेप होती है, या अनिश्चित आकृति लिख सकते हैं इसको। तीसरी अगर इसके बारे में बात करें इसके कलर की, तो इसमें क्या होता है, कोई कलर वगैरह नहीं होता है। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें इसके जीवन काल की, जीवन काल या लाइफ स्पैन कह सकते हो इंग्लिश में, तो जीवन काल इसका होता है, ये जीवन काल 7 से 10 दिन माना जाता है, 7 to 10 days माना जाता है, 7 से 10 दिन तक माना जाता है। अगर हम बात करें तो थ्रोम्बोसाइट्स में किस प्रकार प्रश्न बनता है, अगर थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट में इस तरीके से पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो रुधिर, कोई भी चोट लगने पर हमारा जो शरीर होता है उससे रक्त बाहर निकलता है, तो वो जमता क्यों है, या उसका थक्का किसकी वजह से बनता है, तो वो बनता है थ्रोम्बोसाइट्स में। वैसे कुछ और भी घटक होते हैं जिसकी वजह से बनता है, जैसे कैल्शियम आयन होता है उसकी वजह से भी बनता है, विटामिन के का आपने नाम सुना होगा, विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनता है, तो इस तरीके से कुछ और चीज़ें होती हैं जिसके कारण भी क्या होती है, रक्त का थक्का बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, WBC के बारे में, कि WBC क्या होती है, कैसे होती है। एक मैं आपको बताऊं हीमोग्लोबिन के बारे में, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर बात करूँ मैं, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16, ठीक है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml में, पर 100 ml में कितनी होती है, 12 से 16 होती है, ठीक है, 12 से 16 कितनी पर 100 ml में पाई जाती है। यहाँ पे अगर मेल्स और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में कर सकते हैं 12 से 14 तक, और अगर हम मेल्स में बात करें तो 14 से 16 तक पाई जाती हैं। ये है हीमोग्लोबिन की मात्रा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट बात करेंगे हम इनके WBC के बारे में। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपका प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखें और हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।